दोस्तों आज ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है उनका नाम है इला भरत। तो पता नहीं मैंने नाम सही लिया या नहीं लिया, अगर गलत लिया तो माफ कर देना यार, क्योंकि मैं इंग्लिश में थोड़ा सा कमजोर हूँ। तो उनका एक रिक्वेस्ट है, उन्होंने एक ब्लाउज तैयार किया था। तैयार करने के बाद ब्लाउज का फिटिंग कुछ इस तरीके से हुआ है, तो देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो दिक्कत हुआ है, क्यों हुआ है, कटिंग करते वक्त कहाँ पे क्या गलत उन्होंने किया था जिसके कारण उनको ये दिक्कत हुआ है। सबसे पहले उनका मेजरमेंट थोड़ा सा देख लीजिए। उनका जो ब्लाउज का लंबा है वो है 15 इंच और अपर चेस्ट है 32 और आर्मोल का मेजरमेंट लिया उन्होंने 5 इंच। देखिए उन्होंने कहाँ पे गलती किया था, उन्होंने जो मेन मिस्टेक किया था वो है आर्मोल पे। आर्मोल उन्होंने छोटा कर लिया। देखिए जब भी किसी का हाइट ज्यादा होता है ना, उस टाइम पे आर्मोल का मेजरमेंट भी ज्यादा होता है। साइज छोटा हो ब्लाउज का, लेकिन हाइट जब ज्यादा होता है ना, उस टाइम पे आर्महोल का मेजरमेंट ज्यादा होता है। और एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगी, ब्लाउज का साइज आपका 30 हो, 28 हो या 32 हो, कभी भी आपको ब्लाउज का आर्महोल 5 इंच नहीं लेना है। मिनिमम आपको 5.5 इंच लेना है, हो सके तो 5.25 इंच लीजिएगा। जब 5.25 इंच लेके आप आर्महोल का मेजरमेंट रखोगे ना, उस टाइम पे हो सकेगा तो हल्का सा आपका लूजिंग होगा आर्महोल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह का जो दिक्कत है ना, ये आपका कभी भी नहीं होगा। आर्महोल जब छोटा होता है तब क्या होता है, यहाँ पे आपका फिटिंग्स हो जाते हैं आर्महोल। तो जब यहाँ पे आपका आर्महोल फिटिंग्स होता है ना, तब यहाँ पे खिंचा होता है। उनको आर्महोल का मेजरमेंट यहाँ से लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आर्महोल का मेजरमेंट शायद यहाँ से लिया है। यहाँ से आर्महोल का मेजरमेंट नहीं होता है। ब्लाउज पहनने की बात, लगभग इतना तक आपका आर्महोल आना है। जब इतना तक आर्महोल आता है ना, उस टाइम पे आपका ब्लाउज का परफेक्ट मेजरमेंट होता है। तो यहाँ पे जब आपका आर्महोल यहाँ पे अटक जाते हैं ना, उस टाइम पे इस साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है, पूरा फैब्रिक यहाँ पे फुलान होता है। यही आपका मेन दिक्कत है और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात यहाँ पे देखिए, आर्महोल का नीचे की तरफ से देखिए, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक फुलान है ना, वो क्यों होता है वो भी मैं आपको समझा दूंगी। अभी मैं पहले यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाऊंगी, उसके बाद फैब्रिक पे मैं आपको दिखाऊंगी ये जो दिक्कत अभी हो गया ना, इसको कैसे सुधारना है। सुधारना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका ब्लाउज यहाँ पे ठीक नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको शोल्डर का मेजरमेंट थोड़ा सा कम लेना है जब 32 होता है। और बैक साइड पे आपका डीप नेक है या हाई नेक है मुझे नहीं पता, क्योंकि आपने मुझे वो मेंशन नहीं किया अलग है। लेकिन मैं अपने हिसाब से दिखाऊंगी, आपको समझाने की कोशिश करूंगी बैक साइड पे हाई नेक और डीप नेक पे कैसे क्या करना है। लेकिन मिस्टेक आपको कभी भी नहीं करना है। मैं दोबारा से आपको बोलना चाहूंगी, आपका ब्लाउज का साइज ज्यादा हो या कम हो, 5.25 इंच मिनिमम आर्महोल रख दीजिएगा। 5.25 इंच रखने के बाद आप फिटिंग्स करते टाइम हो सके थोड़ा ज्यादा करके फिटिंग्स कर दीजिएगा दबा के, लेकिन छोटा नहीं लेना है। मैंने खुद के लिए छोटा आर्महोल लेके प्रैक्टिकली करके देखा था। उस टाइम में मैंने देखा उनका जो दिक्कत अभी हुआ है ना, ये सेम दिक्कत मेरे ऊपर हुआ था। मैंने जब आर्महोल ज्यादा करके मैं लेती हूँ, उस टाइम भी ये दिक्कत नहीं होता है। मैं 5.5 इंच भी लेके देखा था मेरे खुद के लिए। देखिए मेरे यहाँ पर जो आर्महोल का मेजरमेंट है ना, वो 33 है। 33 से भी थोड़ा सा कम है, फिर भी मैं 33 रख लेती हूँ। लेकिन मेरे आर्महोल हमेशा 5.25 इंच लेती हूँ, आप लोग देखिएगा, इससे कम मैं कभी भी नहीं लेती हूँ। अगर 30 साइज की ब्लाउज भी होता है ना, फिर भी मैं 5.25 इंच लेती हूँ। मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ, आर्महोल का मेजरमेंट सेम रहता है, लेकिन जब ब्लाउज का साइज अलग अलग होता है ना, उस टाइम पे चेस्ट के हिसाब से आर्महोल आपका बराबर हो जाते हैं। इसलिए सेम मेजरमेंट से हम लोग बहुत सारे ब्लाउज तैयार कर लेते हैं, आर्महोल पे कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो आपने जो आर्महोल का मेजरमेंट लिया ना, वो आपका गलत हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, उसके पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। देखिये 32 साइज पे ब्लाउज का लंबाई अलग अलग तरह का होता है। किसी किसी का 13 होता है, किसी किसी का 14 होता है, किसी किसी का 15 होता है, किसी किसी का 16 भी होता है, ये 32 साइज पे। तो अलग अलग यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि हर किसी का हाइट ज्यादा कम होता है, उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देना है। लेकिन जब हाइट आपका ज्यादा होता है ना, उस टाइम पे आर्महोल का मेजरमेंट भी आपको ज्यादा लेना है। तो मैंने यहाँ पे 15 इंच रख दिया। अभी देखिए शोल्डर आपको क्या करना है, शोल्डर आप सीधा 5.5 इंच रख दो इस साइज पे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आर्महोल यहाँ पे आपको कभी भी 5 इंच नहीं रखना है। अगर आप यहाँ पे 5 इंच आर्महोल लेते हो ना, किसी का अगर ब्लाउज का साइज 26 भी होता है ना, फिर भी आपको 5 इंच आर्महोल कभी भी नहीं लेना है।
जब भी आप ऐसे लेते हो ना, उस टाइम पे आपके ब्लाउज पे ये दिक्कत जरूर होगा। हमें यहाँ पे सीधा 1.25 इंच आर्महोल रख देना है। अब इसको सीधा कर लो, हो गया। उसके बाद चेस्ट का मेजरमेंट ले लो, 32 का चौथा भाग लेना है 18, इसका आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ पे आर्महोल की गोलाई देखिए, अगर किसी के बॉडी के हिसाब से बाजू का जो मुहरी है ना, ये जो मुहरी है ना मोटा होता है, उस टाइम पे देखिए आप यहाँ पे 1.25 इंच रख दीजिएगा। अगर किसी की बॉडी के हिसाब से बाजू का मुहरी बहुत ही पतला है, उस टाइम पे आप यहाँ पे 1 इंच रख दो। इस तरीके से आपको लेना है, नहीं तो 1.25 इंच आपको रख देना है। इसको आर्महोल का शेप ऐसे लगा लो, हो गया। देखिए इसको पहले मैं ऐसे तिरछा कर, तो यहाँ पे देखिए उनका जो साइड पे, देखिए जो साइड पे जो यहाँ पे फूलन हुआ है ना, क्यों हुआ है, इस तरीके से आपको नीचे की तरफ जरूर आपको नीचे की तरफ डाउन करके देना है। जब आप डाउन नहीं करते हो ना, उस टाइम पे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फेब्रिक है वो फेब्रिक यहाँ पे फूलन होता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको इस तरीके से मिला देते हैं, देखिए ऐसे। तो देखिए यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा फेब्रिक है ना, उसी फेब्रिक से यहाँ पे आपका फूलन तैयार होता है। ऐसे गलती आपको नहीं करना है। तो आर्महोल का यहाँ मेजरमेंट हो गया है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, नेक पे भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक आप कैसे भी ले सकते हो अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से पहले आपको बैक पार्ट तैयार करना है। मेरा जो मेथड है ना, मेरे मेथड पे पहले बैक पार्ट काटना है, उसके बाद बैक पार्ट के हिसाब से हमें फ्रंट पार्ट काटना है। तो अभी यहाँ पर जो गलती हुआ है ना, इसको कैसे सुधारे वो चलिए थोड़ा देख लेती हूँ। अभी देखिए यहाँ पे जो आपने स्लीव सिलाई किया ना, पहले इसको निकाल लेना है, आपको सिलाई यहाँ पे निकाल देना है, बाजू को निकाल देना है। देखिए बाजू निकाल दिया। तो बाजू निकालने के बाद आपको क्या करना है, शोल्डर से यहाँ से बिल्कुल शोल्डर को वो थोड़ा सा घटा लेना है, लगभग यहाँ पे हाफ इसके आसपास, हाफ इस नहीं, लगभग 200 से 250 यहाँ पे घटा लीजिएगा। घटाने के बाद यहाँ पे इस साइड पे आपको मिनिमम 1.25 इंच लेना है। यहाँ पे 1.25 इंच आपको डाउन करना है, इस तरीके से पूरा घुमा के इसको अंदर की साइड से इस तरीके से इसको काट कर लेना है। काट करने के बाद दोबारा से जो स्लीव से ना आपको जॉइन कर लेना है। मुझे यहाँ पे इस ब्लाउज पे काटिंग नहीं करना है क्योंकि ये परफेक्ट है, जिसके कारण मुझे काट नहीं करना है। सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये निशाना दिया। इस तरीके से दोनों साइड पे आपको बराबर काट कर लेना है। काट करने के बाद देखिए फिटिंग्स करके देखिएगा बराबर होगा। फिर भी अगर बराबर नहीं होता है, उस टाइम पे आपने जो कमर पट्टी यहाँ पे सिलाई किया ना, वो भी आपको निकाल देना है। निकालने के बाद इसको तिरछा करके, हल्का सा ऐसे तिरछा करके काट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे जो फैब्रिक है ना उसको थोड़ा सा कम करना होगा। तिरछा करके काट करके दोबारा से कमर पट्टी सिलाई कर दीजिएगा, देखिएगा बराबर हो जाएगा। लेकिन ध्यान में रखना है, जब भी किसी के लिए या खुद के लिए आप ब्लाउज करते हो, आर्महोल 1.25 इंच से कम नहीं लेना है डीप नेक ब्लाउज पे, और हाई नेक ब्लाउज पे हाई नेक के हिसाब से देना है। अलग अलग साइज के लिए कितना मेजरमेंट आर्महोल का लेना है, उसका वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप लोग मेरे चैनल पे पूरा विजिट करके देख सकते हो। दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिलते है ना, तो कमेंट में जरूर लिख देना। आपका भी कोई भी रिक्वेस्ट अगर रहता है, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे सेंड कर सकते हो, शानू फैमिली ब्लॉग। यहाँ पे नीचे देखिए ये मेरा इंस्टा आईडी है, इसमें आप लोग सेंड कर सकते हो, आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब से वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों पसंद आने पे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो पे आपके साथ फिर से मुलाकात होगा और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको टाटा।